नाग पंचमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत रूप से कुश्ती और तैराकी खेलों का आयोजन होता आया है। पिछले दो वर्षों से कोविड महामारी के चलते खेलों का आयोजन नहीं हो पा रहा था। इस वर्ष कोरोना संक्रमण को देखते हुए खेलों का स्वरूप बदलकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न खेलों में उपलब्धि पाने वाले गोरखपुर मंडल के 75 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। यह जानकारी गोरखनाथ मंदिर में आयोजित एक बैठक में पूर्वांचल खेल विकास मंच के अध्यक्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिनेश सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 13 अगस्त को नागपंचमी पर्व के अवसर पर पूर्वांचल खेल विकास मंच और गोरखनाथ मंदिर के संयुक्त तत्वावधान में गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित श्री दिग्विजय नाथ स्मृति भवन में दोपहर 2 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के द्वारा गोरखपुर मंडल के विभिन्न खेलों के 75 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। यह सभी खिलाड़ी विगत 5 वर्षों से राष्ट्रीय स्तर तक अपने खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किए हैं। सम्मान समारोह में गोरखपुर के पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी प्रेम माया, रंजना श्रीवास्तव, प्रियंका गोस्वामी को भी सम्मानित किया जाएगा। बैठक में पूर्वांचल खेल विकास मंच के अध्यक्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिनेश सिंह, द्वारिका तिवारी, समाज सेवी अरुणेश शाही, प्राचार्य डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, डॉक्टर माधवेंद्र सिंह मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिनेश सिंह ने कहा, नागपंचमी के शुभ अवसर पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में खेल का आयोजन होना परंपरागत है। ये कब से हो रहा है इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है, क्योंकि ये बड़े महाराज के समय से ही शुरू है और होता आया है। हम लोग छोटे थे तो सुनते थे कि वहाँ कुश्ती हुई और वहाँ कौन पहलवान आए थे, तप्पे पहलवान आए थे, मंगला राय आए थे। इस तरह से ये बहुत ही प्राचीन परंपरा है। विगत 2 वर्षों में कोरोना महामारी के नाते ये कार्यक्रम नहीं हो सका था। इस वर्ष जब हम लोगों ने परम पूज्य महाराज जी से आग्रह किया कि इस वर्ष क्या करवाया जाए, कैसे करवाया जाए, तो उन्होंने कहा कि इस वर्ष विभिन्न खेलों से कुछ खिलाड़ियों को, जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, उनको सम्मानित कर दो। तो हम लोगों ने एक बैठक करके एक रूपरेखा बनवाया। हमारे साथ हमारे अमरेश शाही जी, राज साहब, माधवेंद्र राज जी और मंदिर के और त्रिपाठी जी वगैरह सब लोग मिलकर एक रूपरेखा बनाया। उसके बाद हम लोगों ने फिर महाराज जी से आग्रह किया कि इसमें थोड़ा समय आप दें। हालांकि उनके पास समय के का अभाव ही है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना समय दिया। हम लोग आभारी हैं महाराज जी के कि उन्होंने अपना सहयोग दिया और ये कार्यक्रम मंदिर, गोरखनाथ मंदिर और पूर्वांचल खेल विकास मंच के सहयोग से संपन्न हो रहा है। इसमें 75 बिना विभिन्न खेलों के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा और साथ ही 4 पूर्व ओलंपियंस को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें श्रीमती प्रेम माया, श्रीमती रंजना श्रीवास्तव, सुश्री प्रीति दुबे, सुश्री प्रियंका गोस्वामी, इन लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस तरह से ये कार्यक्रम 13 तारीख को 2:30 बजे से शुरू होगा और जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक ये चलेगा। परम पूज्य महाराज जी का आशीर्वचन मिलेगा सभी खिलाड़ियों को और उनके द्वारा पुरस्कार मिलेगा।